अज असी तुहानूं लैके चल रहे हैं ओल्ड एंड फेमस लुभाया राम स्पैशल आम पापड़ वाले, जो कि शॉप नंबर 27 ऑपोजिट आर एस मास स्कूल लारेंस रोड अमृतसर विखे स्थित है। इतों का आम पापड़ बहुत ही वधिया क्वालिटी का और बहुत ही वाजिब दामों पर मौजूद है। इतों का आम पापड़ देशों से नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है और दूरों दूरों ग्राहक इतने पहुँचते हैं तो इतों आम पापड़ खरीदते हैं। टीम ने इतने ग्राहकों ने गलबात की जिन्होंने लुभाया राम की बेहद तारीफ की। टीम ने इतों के ओनर भी गलबात की जिन्होंने सानू लुभाया राम स्पैशल आम पापड़ बारे विस्तार से जानकारी दी। आओ नज़र मारते हैं इस दिया झलकियां ते। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लुभाया, एक ऐसा नाम जिन्होंने केवल पंजाब हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में अपनी दांग छोड़ी हुई है। रेड़ी वाला लुभाया राम, रेड़ी वाला ने जो पापड़ की वैरायटी है, आम पापड़ की वैरायटी है, वो सारे वर्ल्ड में मशहूर है। और बात करें अंकल जी के साथ जो यहाँ पर परचेज करने आए। अंकल जी, स्वागत है थोड़ा। थैंक यू। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? अबाउट 50 ईयर्स बैक इनके पास आ रहे हैं ना। पहले इनकी रेडी थी, अब दुकान बनाई, बड़ी अच्छी वैरायटी इनके पास और बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे करता है, एक चीज़ ले लो, दूसरी ले लो, सस्ती ले लो और 1000 रुपये का बिल बनता है, तभी हम सेटिस्फाइड होते हैं। और हाजमा भी सही होता है? ओ, बिल्कुल सही, पूरा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सारी फैमिली इधर भी है? यस यस। आप किस चीज से डिपार्टमेंट में, आप बड़े अफसर लग रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट से? ऐसे मेरी शॉप है तरन तारण, मैं इधर कॉलेज में पढ़ता था, तभी से आ। 50 साल पुराने आप देखियो, यू कैन इमेजिन कि 50 इयर्स का बैक का जो है इनका यहाँ पर विजिट है। बहन जी, आपने हर आइटम को यहाँ चूज कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे फिर हम लोग, आप तो पूरे पूरे टेस्ट यहाँ से लेकर जाते हैं लुभाया की, जब से एक रेडी से इन्होंने शॉप बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बचपन से आ रहे हैं, पढ़े भी आई हैं कॉलेज में, तब से खाते आ रहे हैं इनके आम पापड़, ये पेड़े, और अब बच्चे भी मजे ले रहे हैं इन पेड़ों के, और अगली पीढ़ी भी आगे आगे खाते हैं, सब मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी मैंने बड़ी आदत डाली है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप आ रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका लुभाया के साथ? नाम काफी सुना, नाम सुनकर आए रहे थे, और पहली बार अगर लग रहा है कि वाकई यार जो चीज लोगों ने बोली वो है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं हिमाचल तो आ गया, हिमाचल भेज दिया अपना, वो थे हमेशा ही, जो भी आवां कि मेरे पास साडे वास्ते ले आ गया। ते हिमाचल वाले दा ये आप बनांदे हैगे, तो मतलब हिमाचल तो क्वालिटी इतनी वधिया इना दी, बहुत वधिया है, बहुत अच्छी है। सर, कितना दा एक्सपीरियंस है? बहुत वधिया, मेरे तो जम्मू तो रिश्तेदार इत रेगुलर मंगवाते ही रहते हैं। जम्मू का रिश्तेदार कहते इतों लैके आओ? जबकि लोग जाम पापड़ जम्मू लै रहे थे, लोग सारे मेरे जम्मू रिश्तेदार सारे इतों ही खाते हैं, सारे केसी वाले जम्मू की सारी क्रीम ही इतने आती है। फिर बजुर्ग ने जो छोटा जहा बूटा लगाया, अब शानदार पेड़ का रूप धारण करके, हाँ जी, असं देख सकते हैं कि देश विदेश के लोग आ जोड़े, कोई हिमाचल चो कहता मैं आया हिमाचल चो लैन आया, मैं कोई बाहर भेज रहा, की कहना चाहोगे कि उही क्वालिटी मेनटेन करना और उस चीज़ा अगे बहुत मतलब अख्याई के नाल चीज़ा होंगे, लेकिन इस शॉप ने एक रेहड़ी तो अज एक बहुत वधिया शॉप के उत्ते चले गए हो, तुसीं की कहना चाहोगे? सर, सब तो पहला तो जो साढ़े क्लाइंट ने, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहवागा कि सानू अज की डेट के भी तुसीं पूरा योगदान दे रहे हो। असी क्वालिटी के सिर के उत्ते गए कि क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करा, असी चाहे वह चीज़ 10 रुपए की है, चाहे वह 100 वाली है, जो 100 वाली वधिया तो असं उही लिया के इतने बेचा, यही तरक्की का कारण है। और जो कंपीटिशन अजकल मार्केट का, अगला कहता यार भी यह तो बड़ा महंगा चीज़ अदा, ओवरकम करते हुए भी तुम जे लोग जोड़े इदा एक बंदा जाता और 10 बंद अगे होर दिना? सर, जे बाजार काम करने वाले लोग ने वो क्वालिटी नहीं दे पाते, वह कारण है कि क्वालिटी देने पिछे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और नुकसान बेचारे नहीं झेल सकते, इस करके क्वालिटी नहीं दे सकते। वीर जी, जिस तरीके अपनी खुद की मैनुफैक्चरिंग है और मैनुफैक्चरिंग करा के तुम वे कोई समझौता नहीं करते और किसी की सेहत ना खिलवाड़ नहीं करते, अज का जो युग है जिस आप देख सकते हैं कि असं मैनू ये खिलाया थोड़ा जहा, तो मैं भी थोड़ा जहा हाजमा हो गया, मज़ा आ गया, तो लोगों को दाते हो? हाँ जी, हाँ जी सर, जिन्या भी चीज़ा है सर, जो सारे प्रोडक्ट तुम एक नंबर क्वालिटी के लवोगे तो नैचुरली वो चीज़ बहुत वधिया बनेगी। और जिस तरीके सैकेंड जनरेशन आ गए, थर्ड जनरेशन है जी, वह भी इस इंटेंगल हो रही है, अच्छ बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके अगर कोई बंदा ब्रांडेड चीज़ा करता
और इधर ही मेहनत करता तो इधर ही अमरीका वाली गल है कि नहीं सर जे चंगी क्वालिटी दोगे चंगी नीयत रखोगे तो थोड़ा इतने कनेडा अमेरिका है और ये असं मनीए भी फिर हम रेहड़ी वाले आंदा जेडे जिन्होंने स्टार्ट किया थोड़े जो तो अब बहुत वे ब्रांड बन चुके हो ये मतलब वाकई अमेरिका इधर है सर असी यही कहोंगे यही ब्रांड जरा क्वालिटी के सिर के उत्ते बनाया पैसा भावें नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमा रहे और ये उदा ही मेंटेन रहेगी हाँ उदा ही रहेगी सर क्वालिटी ना कंप्रोमाइज कभी नहीं करा और जिदा फ्रेंचाइजी लोग मंग रहे चंडीगढ़ के लोग कह रहे सानू भी फ्रेंचाइजी दे दो होर भी शहर जलंधर के लोग कह रहे हैं तो आने वाले समय फ्रेंचाइजी भी जाएगी सर नहीं फ्रेंचाइजी नहीं जा सकती क्योंकि हैंडमेड प्रोसैस है अभी आप ही बनाने और आप ही बेचते बाजार ना कोई लिंक नहीं फ्रेंचाइजी दस दई है जो बहुत सारे हैंड लगाए हुए और क्वालिटी बड़ी अच्छी जी है बड़ी सूझवान बड़ी थोड़ी मात्रा चीज हो पाती है जिस करके फ्रेंचाइजी नहीं रह सकती थैंक यू बहुत वेलकम।